पानी यहाँ बह रहा है, हम यहाँ पर डैम पे आए हुए हैं, तो इसके बारे में कुरान करीम से हमें क्या चीज़ मिलती है अकॉर्डिंग टू कुरान, आप हमें कुछ समझाइए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये जो पानी बह रहा है, हम जब कुरान शरीफ की स्टडी करते हैं सूरह नहल, वल्लाहु अंजल मिनस समाई माअन फअहया बिहि अल-अर्ध बादा मौतिहा इन फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमी यस्मऊन। इसका लिटरल मीनिंग है कि अल्लाह ने आसमान से पानी नाजिल किया, ज़मीन मुर्दा हो गई थी, वापस उसको ज़िंदा किया, उस कौम के लिए आया था जो सुनती है। एक्चुअली जो ये पानी है, ये हमारे जीवन का बेस है, ये आधार है, और इसका पानी का कई बार रिपीटेशन हुआ कुरान शरीफ में आयतें आई हैं कि ये पानी है। एक्चुअली इसको अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो पानी का फार्मूला वो H2O होता है, तो अगर हम इसको अलग अलग करें, डिफर करें, H2+O यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इस इन्वायरमेंट में जलने का काम करती है और ऑक्सीजन जलाने का, एक जलने वाली चीज़ और एक जलाने वाली चीज़, रीजन क्या आ रहा, पानी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पोंडर हों, थोड़ा कंटेम्प्लेट हों, रिफ्लेक्ट करें, तो फिर ये अल्लाह की कुदरत हमें नज़र आती है। और साइंस इस बात को कहती है कि जितना इस कायनात में पानी था डे वन सा, उतना अभी तक मौजूद है, एक भी बूंद अभी तक पानी की कम नहीं हुई है, पानी की एक बूंद। और ये हमारे जीवन का बेस है। इसका कुरान शरीफ में मल्टीपल बहुत बहुत आयतें आई हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ी जअल लकुम अल-अर्ध फिराशा वस्समाअ बिनाउ वअंज़ल मिनस समाई माअन वअख़रज बिही मिनस समरात रिज़्कन लकुम फला तजअलु लिल्लाहि अंदादा वअंतुम तअलमून। ये ज़मीन आपके लिए फ़र्श बनाई, आसमान को छत बनाया, आसमान से पानी बरसाया, फिर तरह तरह के समरात, लाइक दैट हम अपना पल्स, पोटैटो, राइस, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और लाइक दैट मेरे गारमेंट्स, कपड़ा, डिफरेंट डिफरेंट ये पानी से हमको अवेलेबल होती है। कुरान शरीफ में इसकी बहुत टीच है, बट हमको चिंतन मनन करने की ज़रूरत है, जिसको भी कैन से अरबिक तदब्बुर, तफक्कुर करने की ज़रूरत है। वो बहुत कुछ खजाना लूटेंगे, दोज हु आर रिफ्लेक्ट, दोज हु आर कंटेम्प्लेट, दोज हु आर पोंडर। जो भी चिंतन मनन करेंगे, उस मालिक की आयतों में गौरव फिक्र करेंगे, वो यहाँ भी सक्सेस होंगे और हेयर आफ्टर लाइफ वो मालिक उनको स्वर्ग देगा। ये बहुत बड़ी फला होगी, ये बहुत बड़ी उनके लिए सर्वोत्तम प्राप्ति होगी। वी कैन से इन इंग्लिश, इट इज़ ए ब्यूटीफुल सुप्रीम अचीवमेंट फॉर यू। कि आपके लिए बहुत अच्छा लगा आपने ये सवाल किया और मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। आप मेरी भी दुआ करें कि मैं भी सदमार्ग पर चलूँ और अच्छी राह पर चलूँ और लोगों को अच्छी बातों की तरफ बुलाऊँ। मैनी मैनी थैंक्स फॉर दिस। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। अस्सलाम वालेकुम।